मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में थानालीगंज पुलिस ने बरामद किए 16 सुतली बम, दो गिरफ्तार एक फरार। बताया चला कि बरेली के थाना अलीगंज पुलिस प्रभारी रवि किशन के नेतृत्व में दरोगा उदयवीर, दरोगा रामस्वरूप, दरोगा सत्येंद्र सिंह, रजनीश कुमार, रविगिरी के साथ थाना अलीगंज में खेलम गांव में खान सिंह पुत्र सीताराम घर छापा मारा गया। 6 सुतली बम बरामद किए गए। हलीम पुत्र सब्बीर के घर से 12 सुतली बम बरामद किए गए। पुलिस ने जांच में पाया कि खान सिंह को जान से मारने की नीयत से सूरजपाल को जान से मारने से बम रखे गए थे। पुलिस ने बम डिस्पोजल टीम को बुलाकर बम निष्क्रिय कर दिए। इस संदर्भ में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्तों में बबलू कुल्लू निवासी खेलम और रामकिशोर है। हलीम पुत्र सब्बीर फरार है। पुलिस ने जांच में पता चला खुद लोग बम बनाते हैं। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। सर, ये 2 लोग पकड़े गए जो अलीगंज में बम रखने की साजिश की थी, क्या मामला था, ऐसी क्या वजह थी कि इन लोगों को बम रखकर दूसरे को नुकसान पहुंचाना था? थाना अलीगंज क्षेत्र में खैलम गांव है, वहां पे एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि एक घर में एक कमरा है, वहां पे बम रखा हुआ है। प्राप्त जानकारी पे पुलिस टीम वहां जाती है और ये सूचना सही पाई जाती है और वहां से बरामद होता है। जिस व्यक्ति का घर था उसका नाम खान सिंह था, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाता है, परंतु जब उसकी विवेचनात्मक कार्रवाई की जाती है तो ये तथ्य सामने आता है कि उसके द्वारा, जो आरोपी था उसके द्वारा वहाँ बम नहीं रखा गया था, ये बम किसी और ने रखा था। और इस घटना का पुलिस टीम ने अनावरण किया, 2 लोगों के नाम सामने आए, एक का नाम बबलू और एक का नाम जयवीर, जो उसी गाँव के रहने वाले थे, उनको गिरफ्तार किया गया। जब उनसे पूछताछ की गई तब ये तथ्य सामने आए कि जो खान सिंह था उससे पूर्व में मंदिर के पास खड़े, क्योंकि मंदिर के पास ये घर था, वहाँ पे खड़े और घूमने फिरने को लेके कई बार कहा सुनी हो चुकी थी, उसी से छुप धोकर उसने इस तरह की प्लानिंग की थी कि उसके कमरे में इसको रख दिया था। और ये था कि या तो ये फंस जाए इसमें, अन्यथा अगर एक्सीडेंटली अगर फटता है या किसी कारणवश फटता है तो उसमें उसको नुकसान पहुँचे। इसमें एक और अपराधी का नाम सामने आया जिसका नाम हलीम है, जो अभी फरार है। ये बात सामने आ रही है कि जो इसका रॉ मटेरियल है वो इसके द्वारा सप्लाई किया जाता था। जहाँ तक उस सुतली बम को बनाने का बात है, वो गांव में ही गन्ने के खेतों में ये बनाए थे इन्होंने, और कुल 16 ऐसे बम जो है बरामद किए गए हैं। जल्दी हलीम की गिरफ्तारी की जाएगी और इस चेन को कम्प्लीट किया जाएगा। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है। एजुकेशन इज अ पैशन।